मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाया है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर, जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टिकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के की भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं, उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। इसलिए उनके जैन का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैन का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जेब और झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जेब और झूठ, एम फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैन का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है? 100 रूपये से ऊपर पहुंच गया पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रूपये भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा कम कर रहे हैं। और ये हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक लिए दे रहे हैं, पहले नवम्बर में सुना, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली तो होली तक देंगे। और हम समाजवादियों गरीबों को भरोसा समझा के जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे पाकिस्तान लगातार जितनेंगे और गरीब मदद करेगा। तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीब मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैन मत ढूंढिए।